हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अशुअंक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शिमला मनाली के टूर के बारे में। बजट में न्यू दिल्ली से शिमला या मनाली तक आप लोग कैसे पहुंच सकते हो, बस, टॉय ट्रेन, गाड़ी, होटल कहां से बुक करना है और शिमला मनाली में घूमने के लिए आप लोगों को गाड़ी कहां से बुक करना है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। हाँ, जो लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों को भी बताऊंगा कहां से और कैसे कितने प्राइस के अंदर बुक करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग दो तरीके से शिमला या मनाली में जा सकते हो नई दिल्ली से, एक तो बाई ट्रेन और नहीं तो बाई बस। न्यू दिल्ली से हर दिन शाम को बस छोड़ता है और बस का प्राइस शुरू होता है 1300 से, टाइम लग जाता है 7 से 9 घंटे। और अगर आप लोग टॉय ट्रेन से जाना चाहते हो तो आप लोगों को कालका स्टेशन पहुंचना पड़ेगा न्यू दिल्ली से, और कालका से रोज 2 से 3 ट्रेन छोड़ता है शिमला के लिए और टिकट का प्राइस शुरू होता है 60 रुपया से 250 रुपया तक। टॉय ट्रेन का टिकट आप लोग IRCTC के वेबसाइट से बुक कर सकते हो पहले से, और टॉय ट्रेन में शिमला तक जाने के लिए टाइम लग जाता है 5 घंटे। हम लोग 12 बजे वाला टॉय ट्रेन से गए थे। टॉय ट्रेन का टिकट आप लोग 1 महीना पहले से काट के रखना, नहीं तो बाद में टिकट आप लोगों को नहीं मिलेगा। टॉय ट्रेन के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, टॉय ट्रेन का जर्नी पहले का 1 घंटा बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेकिन उसके बाद आप लोगों को बहुत ही बोरिंग लगेगा क्योंकि टॉय ट्रेन बहुत ही स्लो चलता है, जिसके वजह से आप लोगों को टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग कालका से प्राइवेट गाड़ी बुक करके जा सकते हो, पर हेड 300 या 350 में आप लोगों को मिल जाएगा और 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप लोग पहुंच भी जाओगे शिमला। टॉय ट्रेन में उड़ने से पहले आप लोग ड्राई फ्रूट्स ले लेना, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टेशन आएगा उसमें कोई भी खाने पीने का इतना सामान नहीं मिलता है, 1-2 स्टेशन में आप लोगों को चाय मिल जाएगा। तो हम लोग शाम को 5 बजे शिमला पहुंच गए थे। स्टेशन से आप लोगों को टैक्सी मिल जाएगा और जिसका किराया 150 से 200 रुपया होता है और 4% आप लोग एक साथ जा सकते हो। हम लोगों का होटल माल रोड में था और होटल का रेंट था 1200 रुपया का, और हम लोग गोआइबिबो से पहले से बुक करके गए, तो आप लोग भी पहले से बुक करके आ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आके भी आप लोग बुक कर सकते हो, बहुत सारा होटल आप लोगों को मिल जाएगा। मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग कुफरी में जाने के लिए तैयार है। ये हमारा शिमला का डे 1 का टूर है। लेट्स गो विद अस। तो शिमला की साइट सीन देखने के लिए हम लोग सुबह 10 बजे के बाद निकल गए थे। रास्ता में हम लोग सेरे पंजाब में ब्रेकफास्ट भी कर लिए थे। यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को अच्छा फूड मिल जाएगा। लोकल साइट सीन के लिए हम लोग पूरा दिन के लिए गाड़ी बुक किए थे, जिसका भाड़ा लिया था 1200 रुपया, और पैकेज के अंदर कुफरी, जाकू टेम्पल और कुछ लोकल साइट सीन भी था। शिमला के मेल रोड में बहुत सारा गाड़ी का डीलर आप लोगों को मिल जाएगा। लगभग 1 घंटा के राइड के बाद हम लोग पहुंच गए थे कुफरी, और कुफरी में आप लोगों को हॉर्स राइडिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे हॉर्स का रेट 500 रुपये करके है, और 500 रुपये में हॉर्स आप लोगों को ऊपर लेके जाता है और आते टाइम आप लोगों को लेके भी आए। अगर आप लोग थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो हॉर्स आप लोगों को 250 से 300 में भी मिल सकता है। हम लोगों को 200 में मिल गया था, लेकिन इसके लिए आप लोगों को अच्छा खासा बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा। हॉर्स राइडिंग बहुत ही एडवेंचरस होता है। शुरू में आप लोगों को बहुत ही डर लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो होता है और पूरा रास्ता में कंकड़ बिछा हुआ रहता है, और ऊपर से भी हॉर्स नीचे आता रहता है, जिसमें थोड़ा बहुत टक्कर खाने का भी चांस रहता है। लेकिन आप लोग बहुत ही एंजॉय करोगे जब हॉर्स में आप लोग राइड करोगे, एक अलग ही मज़ा आप लोगों को एहसास होगा। यहाँ दस से 15 मिनट के हॉर्स राइडिंग के बाद आप लोग ऊपर पहुंच जाओगे, और ऊपर हॉर्स से उतरने के बाद आप लोग गाइड का नंबर ले लेना, क्योंकि आते टाइम आप लोग उन लोगों को फ़ोन कर देना आधा घंटा पहले, ताकि आप लोगों को वो सही टाइम पे पिकअप कर सके। पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा वैली है कुफरी। यहाँ पे आप लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटीज़, एप्पल गार्डन और अच्छा खासा हिल्स का व्यू मिल जाएगा आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को टेलीस्कोप पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टेलीस्कोप के मदद से आप लोगों को 7 या 8 पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मली आँख से नहीं दिखा जा सकता है, और इसके लिए आप लोगों को टिकट भी कटना पड़ता है।
ये है कुफरी फन वर्ल्ड, यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज होता रहता है। कुफरी से रिटर्न आते टाइम हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर रहे थे। एक डेढ़ घंटा कुफरी में घूमने के बाद हम लोग नीचे आ गए। कुफरी से फिर हम लोग जाकू टेम्पल के लिए निकल गए थे। जाकू टेम्पल आप लोगों को मेल रोड से ही दिखाई देगा। जाकू टेम्पल में आप लोग रोपवे से भी जा सकते हो, नहीं तो प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हो। रोपवे में आने जाने के लिए पर हेड 600 के करीब लेता है। मुझे पक्का अभी याद नहीं है, लेकिन ये 500 से 600 के अंदर ही है। और रोपवे के एंट्री पॉइंट तक जाने के लिए आप लोगों को मेल रोड से 10 से 15 मिनट का वॉक करके जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे जिप लाइन के थ्रू मत जाना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है पैसे के हिसाब से। तो ये जाकू टेम्पल बहुत ही फेमस है शिमला में, और हम लोगों का प्यारा हनुमान जी का मूर्ति शिमला के एकदम टॉप में बना हुआ है। आप लोग पक्का एक बार घूम के जा सकते हो यहाँ से। जाकू टेम्पल देखने के बाद हम लोग शिमला के बाकी साइट सीन भी देख लिए थे, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे माल रोड पे। माल रोड में आप लोगों को हर तरह का शॉप्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा चर्च देखने को मिल जाएगा। शाम के टाइम आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इनमें लाइटिंग वगैरह होता रहता है। और अपना फ्रेंड्स फैमिली के लिए अगर शॉपिंग करना है तो आप लोग दिल खुल के शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ से। लेकिन शिमला में हर कोई चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने भी थोड़ा बहुत शॉपिंग किए थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग मनाली के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह के 5:30 हुआ है, तो यहाँ से हम लोग का लगभग 8 घंटे का जर्नी है। हम लोग मनाली कसौल और मणिकरण होके मनाली में जाएंगे। तो हमारे साथ और भी 4 फ्रेंड्स हैं जो अभी डांस करने के मूड में और पीछे वो हमारा गाड़ी है। तो चलिए बाद में मिलते हैं। हम लोग शिमला में ही मनाली जाने के लिए गाड़ी बुक कर लिए थे, और पैकेज में शिमला से मनाली कसौल और मणिकरण होके, और उसके बाद मनाली के साइट सीन सोलंग वैली, रोहतांग पास, अतुल टनल, और मनाली से कालका रेलवे स्टेशन बैक, ये सब कुछ पैकेज में इंक्लूड था। और ये गाड़ी हम लोग 16,000 में बुक कर लिए थे शिमला से ही। ये पैकेज 3 दिन का होता है, और शिमला में इस पैकेज में गाड़ी आप लोगों को 20-25 हज़ार में ही मांगा जाएगा, लेकिन आप लोग बार्गेनिंग कर लेना 16 से 17 हज़ार में हो जाएगा। और अगर आप लोग कपल्स जा रहे हो तो आप लोगों को और भी सस्ता में हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को छोटा गाड़ी में हो जाएगा। शाम को लगभग 5 बजे हम लोग कसौल पहुंच गए थे, और कसौल का ये ब्रिज बहुत ही फेमस है, और इस जगह का नाम है पार्वती वैली। और नीचे से जो खूबसूरत नदी बहता हुआ आप लोगों को दिख रहा है, इनका नाम है पार्वती नदी। यहाँ का खूबसूरती आप लोगों को यहाँ से हिलने तक नहीं देगा। यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को शिव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा मार्केट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर देखने को मिल जाएगा। कसौल का जो मेन अट्रैक्शन है वो है मणिकरण। मणिकरण गुरुद्वारा में रोज बहुत सारा दर्शनार्थी आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है मणिकरण गुरुद्वारा, आप लोग जरूर देख के जाना। शाम के टाइम मणिकरण गुरुद्वारा के बाहर बहुत ही अच्छा लाइटिंग होता है, और शाम के टाइम पार्वती नदी का खूबसूरती और भी ज़्यादा हो जाता है। मनाली में 1 नाइट स्टे के बाद नेक्स्ट डे 10 बजे हम लोग सोलंग वैली के लिए निकल गए। सोलंग वैली में जाने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता है। सोलंग वैली में आप लोगों को बहुत सारा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जेट स्की, माउंटेन क्लाइंबिंग, ऐसा ही बहुत सारा एडवेंचरस एक्टिविटी सब लोग कर सकते हो। यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो है पैराग्लाइडिंग, और पैराग्लाइडिंग का रेट यहाँ पे फिक्स है, 3200 रुपया पर हेड करके लेता है यहाँ पे। और अगर आप लोग वीडियो लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यहाँ पे रोपवे के थ्रू आप लोगों को पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है, और रोपवे का चार्ज पैराग्लाइडिंग के साथ इंक्लूड होता है। लगभग 2-3 मिनट्स का आप लोगों का रोपवे का जर्नी होता है। पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद आप लोगों को एक अलग से फीलिंग्स आ जाएगा, एक अलग ही लेवल का मजा आता है पैराग्लाइडिंग में, जो मुंह से बयां करना नामुमकिन है। शिमला मनाली में आप लोग आते हो तो पैराग्लाइडिंग पक्का करना, क्योंकि इससे अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको दूसरे किसी में नहीं मिलेगा। पैराग्लाइडिंग का फुल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा। सोलंग वैली में पूरा दिन बिताने के बाद हम लोग पहुँच गए थे हिडिंबा देवी के टेम्पल में। हिडिंबा देवी के टेम्पल में घूमने के बाद हम लोग चला गए थे होटल पे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे हम लोग निकल गए थे रोहतांग पास के लिए। मनाली के मेल रोड से रोहतांग पास का डिस्टेंस है 51 किलोमीटर, लगभग 2.5-3 घंटा लग जाएगा आप लोगों को रोहतांग पास पहुँचने के लिए। यह पुलिस का चेक पोस्ट, रोहतांग के लिए जो पास बनाया जाता है वो यहाँ पे ही चेक किया जाता है। जाते टाइम यहाँ पे रास्ता में आप लोगों को 1-2 वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएगा। बीच में 15-20 मिनट के लिए हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। लगभग 10 बजे हम लोग रोहतांग पास पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद तुरंत स्नोफॉल शुरू भी हो गया था, जिसके चलते हम सभी बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। हम लोग अक्टूबर में आए थे इसलिए रोहतांग पास में इतना बर्फ नहीं देखने को मिला। आप लोग नवंबर में आओगे तो यहाँ पे पूरा बर्फ़ में ढका हुआ मिलेगा, और दिसंबर से रोहतांग पास बंद भी हो जाता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाता है बर्फ़ की वजह से। रोहतांग पास 13,000 फीट ऊपर है, इसलिए बच्चे और ओल्ड पीपल को थोड़ा ऑक्सीजन का कमी महसूस हो सकता है यहाँ पे। रोहतांग पास में 1.5-2 घंटे बिताने के बाद हम लोग निकल गए थे अतुल टनल देखने के लिए। अतुल टनल दुनिया का एकमात्र ऐसा टनल है जो 10,000 फीट ऊपर बना हुआ है।
और ये टनल 9 किलोमीटर लंबा है और मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। पहले मनाली से लेह तक जाने के लिए 4.5 से 5 घंटा टाइम लग जाता था, लेकिन अभी इस टनल के वजह से ओनली 45 मिनट में लेह तक पहुंचा जा सकता है। अतुल टनल में आप लोग पक्का आइएगा, क्योंकि इसके अंदर का सफ़र आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अतुल टनल देखने के बाद मनाली के कुछ साइट सीन हम लोग देख लिए थे और उसके बाद हम लोग होटल चले गए थे। रात में थोड़ा बहुत मौज मस्ती करने के बाद नेक्स्ट डे 10:30-11 बजे हम लोग निकल गए थे कालका के। मनाली से कालका स्टेशन जाने के लिए लगभग 8 घंटा लग जाता है, तो यहीं पे हमारा शिमला मनाली का ट्रिप खत्म होता है। ट्रिप के रिलेटेड अगर मन में आप लोगों का कोई क्वेरीज रहता है तो आप लोग कॉमेंट करना, मैं आप लोगों को पक्का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना।